वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और भाई सुबह का समय है और ड्यूटी नहीं लगा है और आज शाम में ड्यूटी लगेगा। आज 48 घंटा का रोस्टर है, मैंने दो दिन बाद ड्यूटी लग रहा है। अब क्यों लग रहा है पता नहीं, गाड़ी बहुत कम चल रहा है। और आज का ताज़ा खबर अभी मेरी बीवी के मतलब जो सुनिए कि आज कैसा खाना हम बनाए हैं, बताइए क्या कैसा खाना बनाया। सारा खाना को जला दिए, मेरा देखने बोला था तो फोन में बिजी है। तो भाई मेरे को दाल और चावल देखने का ड्यूटी मिला था लेकिन हम मोबाइल देखने में बिजी थे और यस भाई दाल जल गया, चावल गीला हो गया और इसीलिए इनका मुंह गुब्बारे की तरफ फुला हुआ है। तो भाई दाढ़ी उड़ी बना लिया, थोड़ा सा चिकना चिकना लग रहा है रात हो थोड़ा। अरे गर्मी, बड़ी गर्मी लग रही है यार, बहुत दिन हो गया। अरे यार देखिए ये काम रहता है जब आदमी का ड्यूटी नहीं रहता है, आदमी को रेस्ट करने दो ना यार। तुम तो क्या है, रेस्ट कर ले, आदमी को रेस्ट करने दो ना यार। क्या हम तो मेरा तो एक दिन भी छुट्टी नहीं है, मैंने एक दिन भी छुट्टी है। किसने कहा छुट्टी करो, बाहर से ऑर्डर करते हैं, कभी तो नहीं बोला मेरे को। ठीक है ऑर्डर करेंगे ना। नहीं नहीं ऑर्डर से खाना नहीं, हम बोल रहे हो एंज में ही कीजिए। अब घर में रहने से कुछ भी काम नहीं करते, सारा काम मेरे को करना पड़ता है। ये नहीं मतलब वो बोले कि वाइफ का हेल्प कर दे। वाइफ को क्या हेल्प चाहिए, क्या चीज़ मदद चाहिए बताइए। 10 बार बोलते हैं तो एक काम करते हैं। क्या सब्जी ला दिए, घर सफाई कर दी है, बर्तन धुला दिए, खाना पका दिए और क्या करे बताओ। बाप रे बाप, और हम क्या कर रहे थे गो? तुम आराम कर रही थी। तो ये फाइनली करीब करीब हम ड्यूटी लगा है, अभी 8:15 का लगा, 20:15 का शाम में। और पूरा टोटल ड्यूटी अगर बोला जाए तो कल शाम में हम 7:30 बजे अवेलेबल थे और आज 8 बजे, यानी कि 40 घंटा मोटा मोटी के बाद आज ड्यूटी लगा है। अच्छा है, रेस्ट बढ़िया हो गया है, अभी रात भर नाइट राइडर बनना है। और जाते समय इसका आम चालू है। तो भाई जैसे तैसे गिरते पड़ते अभी रिलीफ हुए हैं और आज एक और लंबा ड्यूटी हुआ है। अभी मेरे को 1:55 से लेकर सुबह का 10 बजे तक होम सिग्नल पर रखा था और गाड़ी को स्टेशन पर ले रहे थे। स्टेशन है लाजकुड़ा रायगढ़ सेक्शन का, और मतलब 7-8 घंटा तो गाड़ी को रखा। टोटल ड्यूटी हो गया है अभी तक 14 घंटा ऑन ड्यूटी से, और अभी कोई गाड़ी नहीं है, देखते हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। रेल तो दिए ही है पूरा, मतलब पूरा दिमाग घुमा के आँख कर दिया। और ऐसा जगह गाड़ी खड़ा है पूरा ऐसा सेक्शन में, मतलब आपका यहाँ मतलब ऐसा सेक्शन है कि अगर आपका झपकी लगा कहीं लुढ़क गया गाड़ी तो और टेंशन की बात है। चलिए देखते हैं कुछ मिल जाए तो। फाइनली मैंने रेस्ट वेस्ट करके ड्यूटी ऑफ ऑफ हुआ, रेस्ट किया थोड़ा सा, तभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। और हमारी गुड़िया जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला दी है। जब ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, लास्ट ड्यूटी बहुत ही खतरनाक था यार, बड़ी बहुत झेला है कि रात भर यार खड़ा रखना एक जगह। और रात था तो इसलिए पार हो गया, दिन रहता और ये गर्मी अगर रहता तो भाई मतलब पूरा पस्ते हो जाता है। ऊपर से अभी हम सिर्फ 2 लीटर पानी लेके चल रहे हैं और ये 2 लीटर मेरे को बहुत महंगा पड़ा। और एक अगर आपको इसका सच्चाई बताएं ड्यूटी का, तो जैसे कि पैसा मिलता है, आप अच्छा घर बनाते हो, अच्छा टाइल्स मार्बल लेटरिन बाथरूम सब चीज़ अप टू डेट रखते हो, लेकिन जब आपको प्रेशर लगता है तब आपको बाहर ही जाके करना पड़ता है। ये एक तो डिमेरिट कि मतलब आप बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है, नो डाउट कि नहीं महसूस होता है कि यार बाहर कहाँ पर बैठेगा कहाँ करेगा। और बहुत सारा इसमें से तो बहुत सारा सब्सक्राइबर या आदमी ऐसा होगा जो कभी तक बाहर बैठा भी नहीं होगा। चलिए हम लोग तो बचपन से एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक गरीबी एक देख के आए हैं, तो हम लोग बचपन में बोलता था कि जाओ बेटा कभी लेटरिन बाथरूम उतना क्रेज नहीं था, मैदान में भागो। तो
ये भाई एक परेशानी वाला चीज़ है जब आउटसाइड रखता है। अगर आप स्टेशन में अगर गाड़ी को रखते हो तो आदमी तो चल जाएगा कहीं, स्टेशन में अगर बाथरूम अवेलेबल है तो आदमी चल जाएगा, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टेशन में बाथरूम अवेलेबल है तो हो जाता है, लेकिन ये आउटसाइड कभी कभी रखता है तो भाई बहुत जम पड़ता है। और दूसरी बात, स्टेशन का तो आप बाथरूम जा नहीं रहो, कैसा होगा, क्योंकि हज़ारों जन यूज करता है, उसके बाद साफ़ सुथरा के नाम पर कुछ करता नहीं। जहाँ लॉबी है, जहाँ पर जैसे झांसूगुड़ा लॉबी है, उसके बाद विराजनगर लॉबी है, उसके बाद रायगढ़ लॉबी, तो लॉबी में क्या है कि हम लोग अपना डिपार्ट का अपना बाथरूम में तो वो साफ सुथरा है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट यूज करना बहुत ही ख़तरनाक है। तो अभी मेरे साथ एक एकदम ख़तरनाक वाला प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आ गए तो भाई ऑफ हो गया ड्यूटी, अब अवेलेबल हम हैं 3 को 3 बजे, 3 तारीख को वही आपको सुबह 4 बजे, ठीक है, और बोर्ड चल रहा है काफ़ी लंबा, क्योंकि एंडिंग ईयर के चलते गाड़ी हो गया है हेवीली कंट्रोल, मैंने कंट्रोल मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन आ गया कि गाड़ी ही नहीं चल रहा है, मतलब एक ड्यूटी आएगा फिर 2 दिन बाद ड्यूटी आ रहा है। तो अभी एक तो मेन प्रॉब्लम है कि अभी अगर गाड़ी ज़्यादा चलने लगे या रोस्टर जो है अगर छोटा हो जाए, और मेरी छुट्टी 5 तारीख और 3 तारीख को अवेलेबल है, तो 3 और 4 दोनों ड्यूटी नहीं लगना चाहिए, तो हो जाएगा 5 तारीख को हम जा पाएंगे, और ये हो सकता है कि 4 तारीख को 12-1 बजे के बाद ड्यूटी लगे, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कल से तो मेरी छुट्टी है तो ये काम हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ ना हो तो एक परेशानी वाली बात हो जाएगी, देखते हैं कल, अगर कल तक तो जाना चाहिए, अगर कल तक चल जाता है 4 तारीख तक मतलब पूरा निकल जाता है तो ये ठीक होगा, नहीं तो फिर एक दिन छुट्टी बढ़ाना पड़ेगा और ये की परेशानी की बात हो जाएगी। ये ड्यूटी में यही है कि छुट्टी एडजस्टमेंट जो है परफेक्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, अभी तक ट्रेन का टिकट भी नहीं करवाया है, तो कल देखते हैं, कल टिकट करवाएंगे सोच रहे हैं कि कल करवा लेंगे, और कल अगर नहीं, कल करवा के 4 को निकलना है। बहुत तो परेशानी है भाई, एक ख़तरनाक न्यूज़ आया है सामने कि खड़गपुर में तेरे मार्च महीने में 3 करोड़ रुपया विदाउट टिकट आदमी से लिया है, 54,000 समथिंग केसेस विदाउट टिकट आदमी 54,000 एक महीना में 3 करोड़, मतलब 3 करोड़ के हिसाब से मैंने 36-37 करोड़ भाई लोग ऐसे उड़ा दे रहे हैं। और तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है LIE का, LIE मैंने लोको इंस्पेक्टर का, ड्राइवर में एज लोको पायलट अगर आप 10 साल तक काम करते हैं तो आफ्टर 10 साल आप LIE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसको लोको इंस्पेक्टर पोस्ट बोला जाता है। तो लोको इंस्पेक्टर जो है, लोको इंस्पेक्टर सभी ड्राइवरों का काउंसलिंग करने का ड्यूटी रहता है इन लोगों का, और बहुत सारा काम रहता है, जैसे मान लीजिए कि इंजन में कोई फॉल्ट वगैरह आएगा तो लोको इंस्पेक्टर ही हर स्टेशन में, हर स्टेशन नहीं एक्चुअली जहाँ पर लॉबी है, ड्राइवरों का हब है, लोको पायलट हब से वहीं पर CLIE का पोस्टेड दिया जाता है। तो उनका मेन काम होता है कि अगर को पहले तो उसके अंदर में जो लोको पायलट रहता है वो लोको पायलट लोग हमेशा काउंसलिंग कराते रहे, नया नया रूल नियम बताते रहे, और दूसरा यदि लोको में कोई फॉल्ट आता है तो ड्राइवर को बताए कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सब जानकारी देना लोको LIE का काम होता है, लोको इंस्पेक्टर का काम होता है। तो उसका एग्ज़ाम है आपका 3, 4, 5, तो यहाँ से करीब 19 ड्राइवर दे रहा है एग्ज़ाम, तो उसके कारण भी हो सकता है गाड़ी कंट्रोल हो गया है, और मार्च का एंडिंग ईयर हो तो है, एंडिंग ईयर में क्या हुआ कि कोविड के चक्कर में, एक मेरा अनुमान ऐसा लग रहा है कि कोविड के चक्कर में क्या हुआ कि कोटा जो रहता है सबका कितना पूरा करना है, इतना माल ढोना है, वो हो चुका है, और तो इसीलिए गाड़ी पूरा कंट्रोल हो गया, और अभी एंडिंग ईयर ख़त्म हुआ, अभी 2-4 दिन में फिर से गाड़ी फिर पिकअप पकड़ लेगा। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं क्या सफ़र होता है और घर कैसे पहुंच पाते हैं यार, ये भी एक दिक्कत वाली बात है, 2 दिन पार हो जाए बस काम हो जाएगा। हाँ मैं गलत, गलत मेरी बातें, गलती से ही।